नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड किसी कारणवश आपका पैन कार्ड खो गया है, ख़राब हो गया है या टूट गया है या चोरी हो गया है, तो आप उस पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, वो भी ऑनलाइन PDF में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताऊँगा कैसे आप घर बैठे आसानी से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करेंगे, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहां पे मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, यहां पे आप अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करना सीख जाएंगे। तो गाइस, यहां पे पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, यहां पे जो पैन कार्ड को दो कंपनी बनाती है, एक तो NSDL और एक UTI, तो यहां पे आप चेक कर लेंगे आपका पैन कार्ड किस कंपनी से, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो पैन कार्ड के पीछे आपका लिखा हुआ रहेगा, अगर आपका पैन कार्ड NSDL के थ्रू बनाया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपका पीछे में NSDL देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपका पैन कार्ड UTI के थ्रू बनाया गया है तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड के पीछे UTI लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आप दो कंपनी, दो जो पैन कार्ड जो बनाती है, दो कंपनी बनाती है, तो यहाँ पे आप दोनों का वेबसाइट अलग अलग है। अलग अगर आपका NSDL से पैन कार्ड बना हुआ तो NSDL वेबसाइट से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका UTI वेबसाइट से बना हुआ है तो यहाँ पे UTI वेबसाइट से आपको अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको ये दोनों मेथड आपको इस वीडियो में लाइव करके स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली क्या करना, आपको यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा NSDL से अपना पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है। वैसे गाइस, यहां पे होता है क्या कि 90% जो होता है पैन कार्ड वो NSDL के थ्रू बनाया जाता है और जो 10% होता है वो UTI के थ्रू बनता है। आपको यहां पे चेक कर लेना आपका पैन कार्ड NSDL से है या UTI से है। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको NSDL से डाउनलोड करके दिखाऊंगा कैसे आप NSDL वेबसाइट से पैन कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो यहां पे सिंपली क्या करेंगे, आपको यहां पर सर्च करना है, यहां पे आपको सर्च करना है NSDL पैन, यहां पे आपको NSDL पैन लिख के सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने बाद यहां पे आपको सबसे पहला ये वेबसाइट देखने मिलेगा onlineservices.nsdl.com। बस क्या करना, सिंपली आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना पैन कार्ड को PDF में डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा डाउनलोड ई पैन, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड ई पैन। बस क्या करना, आपको डाउनलोड ई पैन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे अपना पैन कार्ड को आप एक्नोलॉजमेंट नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप अपना पैन नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो पैन नंबर होता है, अगर आपके पास वो पैन नंबर है तो यहाँ पे अपना पैन नंबर से डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप जो रिसीविंग होता है, रिसीविंग में एक्नोलॉजमेंट नंबर बोलते हैं उनको, उस नंबर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। बस क्या करना, सिंपली आपको उस पैन नंबर को आपको इस बॉक्स में टाइप करेंगे। देख सकते हैं पैन नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे अपना पैन नंबर आपको इस बॉक्स में टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा आधार नंबर, यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आधार नंबर आपको इस बॉक्स में सही टाइप करना है। देन उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा डेट, यानी डेट ऑफ बर्थ, यहां पे आपको टाइप करना है। यहां पे यहां देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है मंथ ऑफ बर्थ। यहां पे क्या करेंगे, आपको इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे अपना मंथ चूज करना है, आपका कौन सा मंथ है, यहां पे मंथ चूज करेंगे। देन उसके बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा ईयर ऑफ बर्थ, आपको इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे अपना ईयर टाइप करना, आपका ईयर कब का है, 1998, 1999, 2002, तो यहां पे आप अपना टाइप करना। अगर आप 1999 तो 1999 टाइप करेंगे। देन उसके बाद क्या करना, आपको इस बॉक्स में आपको छोड़ देना है, GSTN ऑप्शनल है, इस बॉक्स को छोड़ देना है। तो चलिए यहां पे मैं अपना डिटेल्स को फिलअप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना डिटेल्स को सही फिलअप करने के बाद क्या करना, सिंपली आपको यहाँ पर नीचे में आपको एक बॉक्स देखने मिलेगा आई अंडरस्टैंड डैट माई आधार डाटा। तो इस तरह से क्या करना, आपको सिंपली इस बॉक्स में आपको टिक करना है, इस बॉक्स में आपको चेक मार्क लगाना है। उसके बाद क्या करना, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कैप्चा, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में सही फिलअप करना है। अगर आपको यहाँ पर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आपको एक रिफ्रेश करने का एक बटन देखने मिलेगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कैप्चा चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं मेरा कैप्चा चेंज हो चुका है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता तो फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका कैप्चा चेंज हो जाएगा। इस कैप्चा को आपको यहां पर सही फिलअप करना, जिस तरह से देखने मिलेगा सेम आपको अपना कैप्चा को फिलअप करेंगे। कैप्चा को फिलअप करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा सबमिट। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस सबमिट पे
क्लिक करेंगे। जैसे सब इन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपका पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे इस तरह से देखने मिलेगा। बस क्या करना आपको, सिंपली स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सेलेक्ट फ्रॉम विलो ऑप्शन टू रिसीव ओटीपी। तो यहाँ पे आप अपना ओटीपी जो रिसीव करेंगे किसमें रिसीव करना चाहते हैं, अपने मोबाइल नंबर पे, अपना ईमेल आईडी पे। तो यहाँ पे आप देखने मिलेगा मोबाइल नंबर। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस मोबाइल नंबर पे इस बॉक्स पे टिक आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक करने के बाद उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ पर एक बॉक्स और देखने मिलेगा नीचे, आई हेयर बाई कन्फर्म डैट पैन सबमिटेड। आपको क्या करना, इस बॉक्स में भी आपको टिक करना। दोनों बॉक्स में टिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा जनरेट ओटीपी। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस जनरेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपके पैन कार्ड जो बनाए होंगे, जो नंबर दिए होंगे, उस नंबर पर आपको एक ओटीपी मिलेगा। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। अब मैं अपना ओटीपी को ओपन कर लेता हूँ। मैसेज को ओपन करने बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को आपको वहां पर फिलअप करना है। तो चलिए मैं अपना ओटीपी को दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ओटीपी को फिलअप करेंगे। यहाँ पे अपना ओटीपी को सही सही फिलअप करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा वैलिडेट। बस क्या करेंगे, इस वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। तो गाइस देखेंगे योर पैन फ्री अटेम्प्ट एक्सक्यूड, यानी आप जो है यहाँ पे आप गाइस अपना जो पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ रुपये पे करना होगा। लगभग आपको 8 रुपीज आपको पे करना होगा। अगर आप इससे पहले अपना पैन कार्ड को डाउनलोड नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आप फ्री में अपना पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले अपना पैन कार्ड को डाउनलोड कर चुके हैं तो यहां पे आपको क्या होगा, आपको 8 रुपया यानी 8 रुपीज आपको पे करना होगा अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। सिंपली क्या करेंगे, आपको यहां पर नीचे देखने मिलेगा कंटिन्यू विथ पेड ई पैन डाउनलोड। तो बस क्या करना आपको, इसमें आपको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, पेमेंट पेज, यानी आपको यहां पर पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहां पर 2 ऑप्शन है गाइस। यहां पर आप अपना पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम। अगर अपना अगर पेटीएम से नहीं करना चाहते, यहां देखने मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद गाइस यहां पे अपना पेमेंट जो करेंगे, यहाँ से अपना एटीएम कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे देखने मिलेगा आई एग्री टर्म एंड सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने बाद गाइस देखेंगे प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ 8 रुपीज 26 पैसे, यानी आपको 8 रुपये यहाँ पे आपको पे करना होगा। तो वो पे करने के लिए क्या करना आपको, यहाँ पर देखने मिलेगा पे कन्फर्म, पे कन्फर्म में क्लिक करेंगे। पे कन्फर्म में क्लिक करने बाद इस तरह से लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पे आपको गाइस रिफ्रेश वगैरह नहीं करना, जब तक पेज यहाँ पे आपका कंप्लीट यहाँ पे ओके ना हो जाए तब तक आपको अपना पेज से ना बाहर आना है ना कट करना है। यहां पे आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे। देखेंगे रीडायरेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे, यानी आपका पेमेंट गेटवे तैयार हो रहा है। आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। पे कन्फर्म में क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो आप पेमेंट करेंगे किसके थ्रू करना चाहते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपना एटीएम कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, जिसको डेबिट कार्ड भी बोलते हैं एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड पे इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपना इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग भी चूज कर सकते हैं। अगर अपना क्यूआर कोड से करना चाहते हैं क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। अगर अपना यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग से करने वाला हूं पेमेंट। तो मैं सिंपली यहां पे इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक कर लेता हूं। यहां पे क्लिक करने बाद आपको चूज करना आपका इंटरनेट बैंकिंग कौन सा बैंक से है। तो यहां पे मेरा स्टेट बैंक से मेरा इंटरनेट बैंकिंग बना हुआ, तो मैं स्टेट बैंक को यहां पे सेलेक्ट करूंगा। अगर आपका यहां पे नहीं मिलता आपका बैंक, तो यहां पे आप देखेंगे इस बॉक्स में यहां पे नीचे में क्लिक करके अपना बैंक चूज कर सकते हैं। सिंपली मैं अपना स्टेट बैंक चूज करता हूं। उसके बाद गाइस क्या करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने बाद यहां पे देखने मिलेगा मैक पेमेंट, मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मैक पेमेंट पे क्लिक करने बाद यहां पे आपको कुछ सेकंड वेट करना। यहां पे आपको पेज को रिफ्रेश वगैरह नहीं करना जब तक आपका काम नहीं हो जाए। तो यहां पे देखने मिलेगा यूजर नेम पासवर्ड और कैश सेंसिटिव, यानी आपको क्या करना, आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा, आपको दोनों बॉक्स में यहां पे यूजर आईडी इस बॉक्स में टाइप करेंगे। उसके बाद जो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को यहां पे टाइप करेंगे। तो चलिए यहां पे मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को टाइप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद क्या करना, सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद आपके यहाँ पे सारा डिटेल्स देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करना आपको, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कन्फर्म। बस क्या करेंगे, कन्फर्म में क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को गाइस क्या करना आपको, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा यहाँ पे हाईएस्ट सिक्योरिटी पासवर्ड, यानी आपको उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। यहां पे मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं यहां पे अपना ओटीपी को इस बॉक्स में टाइप कर लेता हूं।
यहाँ पे अपना OTP टाइप करने के बाद गाइस क्या करना, आपको यहाँ पर नीचे देखने मिलेगा कंफर्म, बस क्या करेंगे इस कंफर्म में क्लिक करेंगे। कंफर्म में क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, वेट करने के बाद देखेंगे योर पेमेंट सक्सेसफुली, यानी मेरा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, जो ₹8 था यहाँ पे मेरा पेमेंट हो चुका। आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पे आपको बैक वगैरह कुछ नहीं करेगा, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फॉर बिल डेस्क, यानी आपको कुछ सेकंड वेट करना। यहाँ पे आप पेमेंट करने के बाद आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना पेज को, जब तक यहाँ पे आपका वेटिंग करने बोल रहा आपको कुछ सेकंड वेट करना, यहाँ पे आपको वेट करना। अगर आप पे बैक आ जाएंगे तो यहां पे आपका पेमेंट जो किए हैं वो आपका पेमेंट कट जाएगा और आपका पैन कार्ड डाउनलोड भी नहीं होगा, इसलिए आपको यहां पर वेट करना है जब तक ये आपका काम पूरा नहीं हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ वेटिंग फॉर द रिस्पांस फ्रॉम बिल डेस्क, इट मे टेक अप 1 मिनट, काइंडली नॉट रिफ्रेश योर पेज, यानी आपको 1 मिनट तक आपको वेट करना है, आप रिफ्रेश नहीं करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली, और मेरा यहाँ पे डेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। उसके बाद गाइस क्या करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कंटिन्यू, बस क्या करेंगे इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद देखेंगे जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे क्या होगा, आप जो पेमेंट किए आपका पेमेंट का आपको रिसीविंग मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा, आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, वेट करने बाद यहाँ पे देखेंगे जो कि मेरा पेमेंट है यहाँ पे रिसीविंग मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपके नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि जो आप पेमेंट किए हैं सक्सेसफुली, आपका पेमेंट ले चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपका पेमेंट भी आपका आ जाएगा और आपका PDF भी, अपना पैन कार्ड का देखेंगे। थैंक यू आर यूजिंग ऑनलाइन ई पैन जनरेशन फैसिलिटी, योर पैन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, एक्नोलॉजमेंट नंबर इतना, यानी आपका यहाँ पे पैन का यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ जो मेरा रिसीविंग में आ चुका है यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको हाइड कर रखा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अपना पेमेंट को रिसीप्ट को PDF में डाउनलोड करने के लिए आप देखेंगे डाउनलोड, यहाँ पे PDF आ जाएगा। अगर आप अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं PDF में, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे डाउनलोड ई पैन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड ई पैन PDF, यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड ई पेन PDF में आपको ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका जो PDF में होगा आपका जो पैन कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुली आपका PDF में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोबारा क्लिक करना, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरा PDF यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद गाइस जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखेंगे दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, यानी आपका जो PDF है फाइल है ये प्रोटेक्टेड होता है पासवर्ड से, तो इसको कैसे ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको पूरा अपना डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है, तो आप यहां पे स्क्रीन में देख सकते हैं इस तरह से टाइप करना है। देखेंगे आपको स्पेस वगैरह कुछ नहीं देना, सिंपली आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरह से टाइप करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15/2/1999 है तो लिखना है 15/02/1999, इस तरह से टाइप करना, आपको बीच में खाली जगह नहीं छोड़ना है। तो चलिए यहां पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को टाइप करने बाद क्या करना, सिंपली आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा पैन कार्ड है सक्सेसफुली यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप लाइव करके दिखाऊंगा गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरा ओरिजिनल पैन कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा रहा हूँ, मैंने इसको हाइड कर रखा है क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा PDF में यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है मेरा सक्सेसफुली पैन कार्ड। तो इस पैन कार्ड को अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे आपको देखेंगे डाउनलोड, इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले से डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड फिर से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर अपना इस पैन कार्ड को किसी को भेजना है तो सेंड फाइल पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड को भेज सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह जिसको भेजना है। गाइस यहाँ पे आप दूसरा मेथड है, यहाँ तो आप NSDL से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड कर चुके हैं, और दूसरा मेथड है गाइस यहाँ पे अपना दूसरा तरीके से जो है UTI से कैसे पैन कार्ड को डाउनलोड करेंगे। UTI से पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए क्या करना, सिंपली आपको फिर से अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पर सर्च करना है UTI पैन, यहाँ पे आपको UTI पैन लिख के सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सबसे ऊपर UTI, इस वेबसाइट पे क्या करेंगे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, इस वेबसाइट में कभी कभी बहुत स्लो चलता है, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे क्लिक करने बाद। तो गाइस मेरे वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे तो यहाँ पे आप पैन कार्ड डाउनलोड करना सीख जाएंगे NSDL से भी और UTI से भी। NSDL से तो आप तो सीख चुके हैं, आप UTI से आप सीख लीजिए गाइस UTI कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे, वेट करने बाद गाइस आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे आपको ऊपर साइड देखने को मिलेगा 3 लाइन, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा पैन कार्ड सर्विसेज, बस क्या करेंगे पैन कार्ड सर्विसेज में क्लिक करेंगे। जैसे यहां पे आप पैन कार्ड सर्विसेज में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई पैन कार्ड। तो यहां पे अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अप्लाई पैन कार्ड में क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, आप यहीं से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करेंगे UTI से, यानी UTI से डाउनलोड करेंगे आपको
अप्लाई पैन कार्ड में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद क्या करना गाइस, यहाँ पे आपको सीधे स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने बाद गाइस यहीं से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करेंगे। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डाउनलोड ई पैन। तो क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर नीचे देखने मिलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड। बस क्या करना, क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना यूटीआई से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर देखने मिलेगा। उसके बाद देखेंगे पैन, यानी क्या करेंगे, आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, यानी आपको अपना मंथ और ईयर इस बॉक्स में टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जीएसटी नंबर, इस बॉक्स को छोड़ देना। आपको यहां पर नीचे देखने मिलेगा कैप्चा, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। उसके बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा सबमिट। बस क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके नंबर यानी आपका जो पैन कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिलअप करेंगे, फिर से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको जो भी अगर पेमेंट करने बोलेगा ₹8 आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अपना पैन कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैं आपको NSDL में बताया हूं, सेम प्रोसेस है इसका डाउनलोड करने का। तो गाइस इस तरह से बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन से घर बैठे NSDL हो या UTI हो, दोनों वेबसाइट से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका NSDL से बना हुआ है तो आप NSDL से डाउनलोड करेंगे, अगर आपका UTI से बना हुआ है तो अपना UTI से डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।